पहली बात है कि जो लता मंगेशकर सर्कल बहुत फेमस सर्कल है, वहाँ से जहाँ मंदिर होता है शुरू। अभी नई नई होटल्स वगैरह सब हो रहे हैं, अभी डेवलपिंग फेज में है। यू ऑब्वियसली बोलो, मतलब बाहर से हमें कोई नहीं देख सकेगा। ये घाट को चौधरी चरण सिंह घाट नाम दिया गया है। यहाँ चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा भी लगी हुई है। ये धोबी घाट बन गया पूरा। अभी मैं अयोध्या हाट पे खड़ा हूँ। अयोध्या हाट एक जगह है जो कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर है, पर यहाँ पर एक जगह है वो लग्जरी कॉटेज भी है, वो अभी दिखाता हूँ। यहाँ से पहली बात है कि जो लता मंगेशकर सर्कल बहुत फेमस सर्कल है, वहाँ से जहाँ मंदिर होता है शुरू, ये यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे 300 मीटर पे ही है। तो यहाँ से ही अंदर हमको रिक्शा लेके जाना होता है, तो बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है। और अयोध्या हाट यहाँ पर जो सरयू रिवर है उसका भी ये पानी आता है और वहाँ से सरयू नदी में मिल जाता है। तो यहाँ ही हमारा होटल है। आप ब्रिज देख सकते हैं, ब्रिज पार करके यहाँ जाना है और यहाँ ही होटल है। ये उसका रिसेप्शन एरिया है, अयोध्या हार्ट लग्जरी कॉटेजेस। अयोध्या हाट को चौधरी चरण सिंह घाट नाम दिया गया है। यहाँ चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा भी लगी हुई है। और ये सभी कोई जो लग्जरी कॉटेजेस है वहाँ पर कुछ ना कुछ राम भगवान के रिलेटेड पेंटिंग्स किए गए हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और ये ब्रिज है जो कि यहाँ से वहाँ रिसेप्शन है, हमने देखा, वहाँ से यहाँ पर हमको आना है। ये पूरा प्राइवेट एरिया है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। बहुत सारे लोग नहा रहे हैं। जी हाँ, मतलब यार क्या बोले, अभी जो है वो है, क्योंकि वो पब्लिक है, ये सब पूरा सामने वाला पब्लिक है। तो वहाँ बहुत सारे लोग पूरे दिन नहाने धोने सब सब चीज़ होती है, वो मिलेगा। और ये पानी वहाँ से आता है और यहाँ तक सरयू नदी में चला जाता है। तो ये पूरा फ्लो रहता है, रात को बंद हो जाता है, आगे से बंद कर देते होंगे। बाकी ये पूरा सरयू नदी का ही पानी है। और सामने वो ब्रिज दिख रहा है, वो सरयू नदी के ऊपर का ब्रिज है, तो वहाँ ये पानी चला जाता है। यहाँ अभी नई नई होटल्स वगैरह सब हो रहे हैं, अभी डेवलपिंग फेज में है। तो यहाँ तो ये आंध्रा टिफिन एंड मिल से वो चालू हो गया है, तो बहुत सारे साउथ इंडियन लोग यहाँ पर आते हैं और ये सब कुछ नए नए चीज़ हो रहा है। सबसे पहले यहाँ का रिसेप्शन है, वो बहुत दूर है, वो रिसेप्शन है, बाकी सब ये होटल का पार्ट नहीं है। बाकी सब यहाँ 14 कॉटेजेस है। लग्जरी हाथ, अयोध्या लग्जरी हाथ होटल। यस, बहुत ही स्पेशियस रूम है। हाँ, बहुत ही स्पेशियस। और ये पूरा बाथरूम पूरा एक रूम जैसा इतना बड़ा है। और सभी चीजें, ड्रायर, टॉवल, शैम्पू वगैरह सभी है। ओके। यस, व्यू ऑब्वियसली बोलो, मतलब बाहर से हमें कोई नहीं देख सकेगा। ये सरयू नदी है, उसको यहाँ से मोड़ा है तो हम यहाँ नहा भी सकते हैं। तो यस, हमें सब दिखाई देंगे पर बाहर यस यस आरती भी होती है। हाँ, शाम को आरती करते हैं। अभी कुछ पंडित नहीं है ऐसा बोला आज। ऐसा है? हाँ, आज पंडित नहीं है, बाकी शाम को यहाँ पे आरती भी होती है। ओके। और यहाँ से मेन सरयू नदी भी 300-400 मीटर ही है। ओके। आरती होती है।
Amras Restaurant. ये धोबी घाट बन गया पूरा। अच्छा लग रहा था कि नहीं यार, ये अच्छा है कि इतना नजदीक ये है, पर क्या अब धोबी घाट है। ये रूम है हमारे और ये धोबी घाट, अभी तो धोबी घाट ही बोलेंगे इसको।